हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट जॉनी कपूर और लेकर आई हूं आज फिर एक शानदार एपिसोड आवाज हिंदुस्तान की। मेरे को होस्ट कहाँ रह गए? खबरी, तुमने हमारे को होस्ट को देखा है? हाँ, अभी तो इधर ही थे। एक्सक्यूज मी, मैं जानता हूँ कि हम यहाँ पर एक बहुत ही निहायती सुरीले सिंगर को अपनी ऑडियंस से मिलाने आए हैं, जिनके नगमे हर मोहब्बत करने वाले की जुबान पर हैं। सो लेट्स वेलकम वन एंड ओनली उद्धव जी। चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। वाह, यही प्यार है उद्धव जी, यही प्यार। वो उद्धव जी, दैट वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो मेलोडियस। तो ओवर टू मिस्टर खबरी, प्लीज सर। 1989 में स्वर्गीय महेंद्र कपूर जी ने उद्धव जी को अवार्ड दिया था। आपके खबरी तो बड़े खबरदार खबरी हैं। जी हाँ, ये हमारे खबरी हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये लता मंगेशकर अवार्ड है, तो सुश्री लता जी के नाम पर एक अवार्ड है। इंदौर में अवार्ड होता है और हर साल इसका आयोजन होता है, और इसी के साथ साथ ये जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, ये जो अपकमिंग सिंगर्स हैं उनके लिए एक आयोजित करती है स्पर्धा, कि जो भी इस स्पर्धा में जीतेगा उसको एक जो प्राइज मिलेगा उसको उन्होंने लता मंगेशकर अवार्ड का नाम दिया है। तो मैं भी उन दिनों 89 में अपकमिंग सिंगर की श्रेणी में आता था, तो बस यूँ समझिए कि सरस्वती जी की कृपा हो गई और ये कॉम्पिटिशन मैंने जीता और ये अवार्ड मुझे स्वर्गीय महेंद्र कपूर जी के हाथ में। उद्धव जी, स्वर्गीय महेंद्र कपूर जी की दो पंक्तियां मैं चाहूंगी कि आप जरूर हमें गाकर सुनाए, प्लीज। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। ब्यूटीफुल। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। थैंक यू सो मच उद्धव जी, थैंक यू सो मच। मैं इस ब्यूटीफुल लम्हे को यहाँ छोड़ना नहीं चाहूंगी, बट मुझे जाना होगा, सो मैं अभी लौटती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आवाज़ हिंदुस्तान की, और आज हम एक बहुत ही सुरीले कलाकार उद्धव जी से बात कर रहे हैं। उद्धव जी, प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली, आप कहाँ के रहने वाले हैं, हमारे सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। मैं हिंदुस्तान के दिल में रहता हूँ। वो तो आप सबके दिल में रहते हैं। नहीं नहीं, मतलब मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, जो कि हिंदुस्तान का दिल है, बीच में है, और वहाँ पर एक छोटा सा शहर है जावरा,
मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरे माता पिता अभी भी वहीं पर रहते हैं। मेरे पिताजी जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, अब इंजीनियर रहे हैं, और माताजी जो हैं मेरी वो नेत्र चिकित्सक हैं, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। वाह वाह क्या बात। मैं ही एक बिगड़ा हुआ संगीतज्ञ निकल गया। नहीं, आप बहुत सुलझे हुए हो, बिगड़े हुए नहीं, बहुत सुलझे हुए कलाकार हो हमारे देश के। ये कहते हैं ना कि सब लोग पूछते हैं कि भाई क्या काम करते हो, मैं कभी जी गाना गाता हूँ, म्यूजिक बनाता हूँ, तो कहते वो ठीक है, काम क्या करते हो? काम क्या करते हैं? उद्धव जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि मुंबई कैसे आना हुआ, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह से हुआ? मुंबई में आना कुछ यूँ हुआ कि जैसा अभी हम पहले बात कर रहे थे कि लता मंगेशकर अवार्ड की, तो वो पूरा चार दिन का समारोह होता है, तो अगले दिन लक्ष्मीकांत पेरियाल जी, जिसमें से लक्ष्मीकांत जी हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी नाइट थी वहाँ पर, तो मैं भी चूँकि विनर था तो मुझे गाने का मौका मिला वहाँ पर। तो जब मैंने गाना गाया तो लक्ष्मी जी ने सुना, तो उन्होंने उनको, जैसे मैं मिलने गया, एक बड़े इतने बड़े म्यूजिकटर हैं, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा सर आपको गाना कैसा लगा? अरे बहुत, तुम बहुत अच्छा गाते हो, बॉम्बे आओ। तो मेरे ख्याल से उन्होंने शायद कैजुअली बोल दिया होगा, लेकिन मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया, और एक डेढ़ महीने के अंदर ही मैं अपने बैग्स वैग्स सब पैक कर करा के, क्या बात है, एंड आई डिसाइडेड टू मूव टू बॉम्बे। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली लक्ष्मी जी से तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, हालांकि मैंने कई बार उनको मिलने की कोशिश की, लेकिन वो इतने मसरूफ़ थे कि नहीं मौका मिल पाया, उसके बाद वो हम सब के बीच में नहीं रहे। लेकिन दूसरी एक अच्छी बात ये हो गई कि उन्हीं दिनों में, मतलब मेरे एक और बहुत ही फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं, स्वर्गीय आर डी बर्मन साहब। वाह वाह वाह, वो तो मेरे भी फेवरेट हैं और पूरे देश के फेवरेट हैं। सबके मेरे तो इतने फेवरेट हैं कि मेरे बेटे का नाम मैंने पंचम रखा है। क्या बात है। दो फिल्में वो कर रहे थे, एक फिल्म का नाम था गर्दिश, गुड नाइट फिल्म्स की एक पिक्चर थी, उस दौरान मैं पंचम दा के संपर्क में आया, और कुछ 6-7 महीना मुझे उनके साथ बिताने का मौका मिला, उनके सिटिंग रूम में बैठने का, उनके साथ रिकॉर्डिंग्स पे जाने का। तो ये एक, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली बहुत भाग्यशाली इतने नो डाउट। कोई दो पंक्तियाँ उनकी जो उनके संगीतबद्ध हों आप हमारे दर्शकों के लिए। मेरी माता जी ने मुझे बताया था कि जब मैं 1.5 साल का था, उस वक्त एक गाना बड़ा हिट हुआ था पंचम दा का, मेरे नैना सावन भादो। वाह वाह वाह। तो मैं बोलना मुझे आता नहीं था, लेकिन मैं वो गीत का मुखड़ा कुछ भी तुतली सी जबान में, जैसे 1.5 साल के बच्चे बोलते हैं, मैं गाया करता था। लेकिन एक बहुत ही अनयूजुअल सा गीत है पंचम दा का, जो मेरे ख्याल से हमारी बहुत कम ऑडियंस ने सुना होगा, क्योंकि पंचम दा के हिट गाने तो सभी लोगों ने सुने हैं, लेकिन एक गीत है जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, मैं वो गीत गुनगुनाना चाहूंगा। तो लाइन इशार, एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने, तूने साड़ी रसली है मेरी चाबियां, क्या बात, घर की, और चली आई है बस यूं ही मेरा हाथ पकड़ कर, एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने। क्या बात है, मैं कहता इतना रेयर गीत है, इतनी रेयर कंपोजिशन है, और आपके थ्रू हमारी पूरी व्यूअर्स को ये मालूम हुआ है। Everybody is lucky, so lucky to hear this song from you. I love this song a lot. Udbhav ji, ye bataiye, jaisa aapne hame bataya, Pancham Da ke saath aapne kuch arsa kaam kiya, waqt guzara, to koi aisa incident jo aapko yaad ho aur shayad zindagi bhar aapko yaad rahega, bataiye na. Ye bahut hi funny incident hai. Pancham Da ka ghar Santa Cruz mein hai, Maryland's apartment, wahan pe first floor pe unka sitting room hai. तो जैसे कि इतने बड़े सेलिब्रिटी रहे हैं और मुझे घर में एंट्री नहीं मिलती थी, बिकॉज मैं जाता था तो कभी वॉचमैन कह देते थे कि साहब नहीं है, कभी नौकर बोल देते थे कि नहीं बिजी है, सिटिंग चल रही है, ऐसा है वैसा है ये वो। 1.5-2 महीना हो गया, मैं उस वक्त गोरेगांव में रहा करता था, मेरा रूटीन था सुबह नहा धो के 9:30-10 बजे वहाँ आ जाना और उनकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहना,
वहाँ उनकी बालकनी जो है उनके वहाँ से दिखती थी, नज़र आता था, कई बार खिड़की खुल जाती थी तो ऐसा दिखता था कि कई बार बाहर मैंने उनको देखा भी, तो ऐसा लगता था कि भाई कभी गुजरेंगे तो शायद मिल जाए, पता नहीं भगवान बिल्ली के भाग से छींका फूट जाए। तो छींका तो नहीं फूटा, डेढ़ दो महीने तक मेरा ये रूटीन रहा कि रोज़ मैं वहाँ जाता था, दो तीन घंटे चार घंटा रुकता था, फिर लंच करके फिर शाम को एक दो घंटा रुक के और वापस अपने घर चला जाता था। डेढ़ महीने बाद बाजू के फ्लैट में चोरी हो गई। ओह माय। दूसरे दिन पुलिस आई तो वॉचमैन ने बोला हमें नहीं पता, ढाई महीने से एक लड़का यहाँ रोजा के खड़ा रहता है। ओह माय गॉड। मुझे पता नहीं था, मैं नेक्स्ट डे अपना नहा धो के अपने हिसाब से वापस वहाँ जाके खड़ा हो गया था, यार दो हवलदार खड़े हुए थे, वो सीधा उठा के मेरे को सेंटा क्रूज थाने में ले गए। ओह माय गॉड। मैं परेशान यार, एक तो ढाई तीन महीने से जिससे मिलना है वो तो मिल नहीं रहा, जिसको नहीं मिलना है वो मिल के मेरे को अंदर बिठा रखा है। मुझे तो जो एक इंस्पेक्टर थे वो उनको लगा कि यार शक्ल से शरीफ लगता है बंदा, पहले लगता था, अब शायद नहीं लगता हूँ, अभी भी लगते हो। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, आप लोग क्यों खड़े रहते हैं? मैं कहा सर मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, मुझे सिंगर बनना है और उनसे मुलाकात नहीं होती, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मतलब कहीं से कैसे मिले, तो मैं तो इसलिए खड़ा रहता था वहाँ पे, बाजू में वो फ्रूट वाला है, लिफ्ट वाला है, पान वाला है, सबसे मेरी पहचान हो गई थी। तो मेरे वैसे एक तो फ्रस्ट्रेशन थी ढाई तीन महीने की मिलते नहीं है, और ऊपर से पुलिस थाने में बैठा हुआ, मेरे आंसू निकल गए। तो वो इंस्पेक्टर जो थे वो थोड़े से दयावान टाइप होंगे, कोई उनको समझ में आ गया कि यार ये कोई चोर हुआ, जेन्युइन बंदा है। तो मेरे से कहते अच्छा एक गाना सुना, तो सिंगर है क्या बात है। मैं कहा थाने में गाना पता लगे कि आप सही बात है। मैंने कहा कि सर अभी तो दो लाइनें मैंने उनको सुनाई, तो उन्होंने कि चलो कोई बात नहीं जाओ। फिर मैं तकरीबन हफ्ता भर वहाँ नहीं गया। अब और कोई काम भी नहीं था उस वक्त, कोई ऐसा वजह भी नहीं थी कि करें क्या। सात दिन बाद मैं दोबारा गया तो पता चला मेरी बड़ी पूछ हो रही है वहाँ पे, क्योंकि पंचामता का इंसिडेंट पता चल गया था कि कोई एक लड़का है जो सिंगर बनने आया, उसको पुलिस उठा के ले गई है। तो जैसे ही मैं आया तो वॉचमैन ने कहा कि अरे आपको साहब ने बुलाया है। This is a blessing in disguise. और मैं जैसे ही गया तो बिलीव आप करेंगे वहाँ पे जो जितने भी चाहे बासुदा हैं, आशीष दा हैं, जो उनके सिटिंग मेंबर्स थे, देवर मतलब उनको देखना था कि है कौन जिसको उठा के ले गए, इतना जुनून है जिसको। हाँ, तो बोले कि साहब वो लड़का आया है वापस, मेरे को अंदर फटाक से सिटिंग रूम में बुलाया, पहली दफ़ा मैंने उनके सिटिंग रूम में एंटर किया। एंड देट वॉज द लाइक यू नो, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुसलमान को हज करने का मौका मिल जाता है, या किसी हिंदू को काशी जाने का मौका मिल जाता है, मेरे लिए वो वही एक तरीके की हज थी। वो दैट वाज अ इंसिडेंट विच आई कैन नेवर फॉरगेट फॉर माय होल लाइफ। रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मोहब्बतें जो मूवी आपको फर्स्ट मूवी इतनी बड़ी ऑफर मिली, वो आपको कैसे इतनी बड़ी ऑफर मिली? मोहब्बतें मैंने मोहब्बतें में 5 गीत गाए थे। वाह। टोटल 6 गाने थे फिल्म में से, उसमें से 5 गीतों में मेरी आवाज़ थी और मैंने अपनी आवाज़ उदय चोपड़ा साहब के लिए दी। मौका कुछ ऐसे मिला कि यश जी की जो वाइफ हैं पैमेला चोपड़ा जी और लता मंगेशकर जी और संजीव कोहली साहब जो कि मदन मोहन जी के साहबजादे, उन तीनों ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया था। उस प्रोग्राम का नाम था मेरी आवाज़ सुनो। तो मैं 96 में शायद मैंने वो फाइनल जीता था। तो उसमें ये था कि यश जी की जो अगली फिल्म बनेगी उसमें जो सिंगर्स इसमें से आएंगे तो उनको चांस मिलेगा, तो इनाम के तौर पे ही मुझे ये समझी कि वो फिल्म मिल गई। अपने दर्शकों को ये बता दूं कि इनकी पॉप एल्बम भी आई है दिलबर, जो कि बहुत ही अच्छी हिट रही है, तो उसके बारे में आई वांट टू नो समथिंग फॉर माय व्यूअर्स। दिलबर इज लाइक इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, और ये सोलो एल्बम थी मेरी जिसका जो एक मेन गाना था, जिसका वीडियो मतलब ये हमारे डायरेक्टर साहब ने डिसाइड किया था कि मुझे पे पिक्चराइज होगा, हालांकि मैं बहुत ही बुरा एक्टर हूँ। नहीं ऐसी कोई बात, लेकिन सिंगर्स को सब माफ है। आप भी सिंगर हैं, आप इस बात को ज़्यादा अच्छे से सब माफ है। सो उन्होंने एक कुछ कंसेप्ट ही ऐसा बनाया था कि एक 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 आम आदमी की क्या ख्वाहिशें हो सकती हैं, ऐसा कुछ वीडियो था, और बहुत ही अच्छी गॉर्जियस सी मॉडल थी उस वीडियो के अंदर। उनकी वजह से भी वो वीडियो काफ़ी आई कैचिंग बना था। इट वॉज वेरी गुड। और मेरे ख्याल से चैनल वी पे टॉप 3 में 3 महीने तक बजता रहा वो वीडियो, दिलबर। तो हम चाहेंगे कि वो गाना हमारे जरूर आपसे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आएंगे, तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जरूर। दिल क्यों
दीवाना तेरा, मैं जानू ना तू जाने, इश्क की आग में हंसते हंसते जल जाते हैं परवाने। चाहत का दस्तूर है ये, यार को समझो खुदा खुदा। दिलबर दिलबर ओ दिलरुबा, तुझ पे हुआ दिल फिदा फिदा। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। धुन अगर अच्छी बन जाए तो गाना हिट होता है, कि अल्फाज अगर अच्छे बन जाए तो गाना हिट होता है? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, पहले मुर्गी आई कि अंडा? आजकल क्या हो रहा है कि पहले जैसे धुन बनती थी और गाने बाद में लिखे जाते थे, आज के पहले अल्फाज लिखे जाते हैं फिर उस पर धुन बनती है। मैं दोनों तरीके से करता हूँ, जैसे कभी अगर मान लीजिए कुछ लफ्ज़ मुझे बहुत अच्छे लग जाते हैं तो मैं उनको उन लफ्ज़ों के ऊपर चल के मुखड़ा बना लेता हूँ, फिर अंतरा मेरा अपने आप बन जाता है, फिर मैं अपने राइटर जो होते हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मुखड़ा तो बन गया है और अंतरा मैंने कुछ ऐसा बनाया। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली। ओके उद्धव जी, आप बताइए, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर आपके ऐसे कौन से कंपोजर हैं जो इंस्पिरेशन रहे हैं? वाह क्या खतरनाक क्वेश्चन है, जिसका नाम ना लो वो नाराज। कि गाना है, ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो। अब आप बताइए पहले धुन बनी होगी या लिखा गया होगा, क्या लगता है आपको? एक्चुअली मेरा ये मानना है कि जब इतनी प्यारी धुन है, मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ, ऑडियंस जो है वो 90% जो ऑडियंस है वो अल्फाज को ध्यान देती है, और जो संगीतकार होगा वो जब गाना याद करता है तब वो स्टेज पे परफॉर्म करता है, पहले वो धुन को एंजॉय करता है, वो पहले सिर हिलता है उसका, फिर वो देखता है क्या हो रहा है। तो दोनों की अलग अलग सुनने की ये जो मैंने गाने का आपको एग्जांपल दिया, अब आप ये देखिए कि कोई भी राइटर अगर लिखेगा तो इस तरीके के अल्फाज मुझे ऐसा लगता है बिना धुन के ऐसा नहीं लिखेगा वो, कि वो ना 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 ना, तो पहले धुन बनी होगी, पहले धुन बनी होगी, ये ऐसा मेरा मानना है। अब ये तो मैं जब जाऊंगा तो सचिंदा से पूछूंगा ऊपर। भगवान करे आप बहुत लंबी उम्र। और मेरे एक बहुत ही फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो अभी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, और मेरी तो दुआ है कि मेरी उम्र उन्हें लग जाए, रविंद्र जैन साहब। हिना एक जो फिल्म है वो मेरी मतलब ऑल टाइम, मेरी गाड़ी में, मेरे घर में, हर जगह उसकी सीडी मेरे पास रहती है, और उसका एक गीत जो है चिट्ठी ये दर्द फिराक वाली है, ले जा सनेरा सोने यारा, ये गाना जब भी चलता है मैं पूरा कभी नहीं सुन पाता, मेरी आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। आज की डेट में अगर आप देखने जाएंगे तो मैं मतलब बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ जतिन ललित साहब का, मैंने करियर अपना उन्हीं के साथ शुरू किया था, उन्हीं के म्यूज़िक था मोहब्बतें में, देर उनका काफ़ी पंचमदा से फ्लेवर मिलता था जतिन ललित का। अभी जो वर्क कर रहे हैं उसमें मुझे विशाल शेखर आई लाइक, शंकर एहसान लॉय मेरे बहुत मतलब बहुत क्लोज हैं, उनका तारे ज़मीन पर का जो गीत है वो तो मेरे दिल के इतना करीब है कि आप, मैं कभी बतलाता नहीं क्या बात, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं, दिस इज़ वेरी इमोशनल सॉन्ग, फेवरेट सॉन्ग। और भी बहुत अच्छे लोग हैं, अनु मलिक साहब ने भी काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, जब उनको अच्छे अच्छे सब्जेक्ट मिले हैं बॉर्डर वगैरह में उन्होंने उनको प्रूव करके दिया हुआ है। हर एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा काम तो किया ही हुआ है। लोग जैसे कुछ लोग बोलते थे भाई बप्पी दा भी उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक बहुत किया, लेकिन मैं कहता हूँ बप्पी दा ने भी एतबार का जो वो गाना बनाया है, बहुत मेलोडी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है, हो किसी नजर को। तो सभी की अपनी अपनी खुशबू है, सभी की अपनी अपनी ब्यूटी है, और मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि सबसे कुछ ना कुछ सीखूँ, हर एक फूल की खुशबू लेके अपना एक गुलदस्ता तैयार करूँ। कोई मुझे ये ना कहे कि ये पंचमदा की कॉपी है या ये किशोर कुमार की कॉपी है, ये है कि हाँ भाई मैंने उन सबसे सीखा है, वो मेरे बड़े हैं, मेरे अग्रज हैं। मैं एक अपना कंपोज किया हुआ और अपना ही गाया हुआ एक गीत है जो क्या कहना है आपका, एक फिल्म भारतीयम की आ रही है उसका एक नगमा मैं सुनाता हूँ, तो एक नया गाना भी हमारी ऑडियंस सुनेगी तो उनको पता लगेगा और आप लोगों का भी फीडबैक मुझे मिलेगा कि भाई
याद तेरी पल भर को दिल से जाए ना, और कोई चेहरा नजरों को भाए ना। तूने किया जादू ये क्या के बस में ये दिल आए ना। याद तेरी पल भर को दिल से जाए ना, और कोई चेहरा नजरों को भाए ना। तूने किया जादू ये क्या के बस में ये दिल आए ना। कैसे छुपाऊं ये कैसे बताऊं, क्या दिल तुझ में मेरी जान है, तुझ में मेरी जान है। चैन तेरे बिन चाहत मेरी पाए ना, और कोई चेहरा नजरों को भाए ना। तूने किया जादू ये क्या के बस में ये दिल आए ना। हो बस में ये दिल आए ना, हो बस में ये दिल आए ना। क्या बात है, थैंक यू। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे उद्धव जी थैंक्स से काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ से घर जाने के लिए एक गेट पास पर फोटोग्राफ देना पड़ेगा। ये हमारी रिवायत है यहाँ की, प्लीज। सो दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी हिंदुस्तान की एक और आवाज से, ओनली इन द प्रोग्राम आवाज हिंदुस्तान की।